सुबह सुबह दोस्तों सबसे ज्यादा डक शोर मचाते हैं, हमें निकालो। सबर करो, निकाल रहा हूँ, सबर कर जाओ, सबर करो यार, इनको सबर ही नहीं है, इतना शोर मचा रही है ना। आ जाओ आप भी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप भी आ जाओ आप भी आ जाओ। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? यार हमारा असील मुर्गा ना मरा पड़ा है, बाकी सबको दवाई दिया, बाकी सब सही हो गए। मुझे रात को भी लग रहा था कुछ ना कुछ इसकी तबीयत खराब है, और इसी वजह से मैं आज सुबह सुबह इनको देखने आया हूँ। इन सबको पहले मैं दाना दे देता हूँ। मैं यहाँ से घास सुबह सुबह ही ले आया था। ये घास बतखों को और रैबिट्स को डाल देते हैं। रैबिट्स को भी निकाल दो, इनको ना अलहदा दे देता हूँ, क्या पता इनको बतखे मारे ना। दोस्तों मुर्गे को तो बहुत अफसोस है मुझे, चलो यार अल्लाह और देगा। बाकी इनको मैंने दवाई वाला पानी पिला रहा हूँ सारों को, जो बाकी हमारी मुर्गियाँ बची हुई है ना, ताकि ये तंदुरुस्त हो सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं दोस्तों? हमारे मुर्गे के साथ असल में ना जो पहले वाले आए थे ना छोटे, उनके अंदर से वायरस फैल गया था, इसी वजह से हमारा मुर्गा मर गया। दोस्तों हमारे पैरेट्स के लिए भी दाना आ गया, आज मैंने पैरेट्स के लिए स्पेशल दाना बनाया। कल इन्होंने जो मेरे साथ वफादारी निभाई है ना, अब मैं इनके ऊपर बहुत खुश हूँ, ये कहीं जाते नहीं है। ये दाना यार बहुत शौक से खा रहे हैं, ये देखो सारे अंदर घुसे हुए हैं, ये वाले भी। वाकई इनको पसंद आ गया ये दाना। तोतों वाला दाना ना कबूतरों को भी बहुत पसंद आया, और ये भी सारा खाई जा रहे हैं। आप भी खा लो यार, आप खा लो, आ जाओ। एंग्री बर्ड्स कोई चीज़ नहीं छोड़ते यार, इनके मुंह में जो लगे, इनके हाथ में जो लगे, सब खा जाते हैं ये। दोस्तों असील मुर्गे को ना हमने दफना दिया है, और आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मुझे तो रोना आ रहा है, क्या बताऊँ। इतना अच्छा था ना यार वो, बस अब चला गया है, तो यही नसीब में लिखा होगा। अभी मैं इसी वजह से और पेट्स नहीं लेके आ रहा, क्योंकि सर्दी इतनी है पड़ी, इन्हीं की केयर कर लें बहुत बड़ी बात है। हमारे कबूतर उधर जाके बैठ गए हैं, ठंड बढ़ती जा रही है, मैंने कहा इसको उतार लें, लेकिन बैठे रहें, कोई नहीं बैठे रहें। एक तो बिल्ली का बहुत डर लगता है, बिल्ली अगर आ गई तो इसने उनके ऊपर अटैक कर देना है। दोस्तों हमारी छोटी मुर्गी ना अंडा देने के लिए जगह ढूंढ रही है, इसको अच्छी सी जगह बंद कर देते हैं, ताकि अंडा हमें इसका मिल सके आज। दोस्तों मुर्गियां ना टुकर खा रही थी, लेकिन बतखियां आ गई हैं, अब इनको नहीं खाने देंगी, देखना सारी आ रही हैं यार पीछे से भी। मुर्गियों को ये भी नहीं खाने देती, एक तो एंग्री बर्ड्स भी मुर्गियों के दुश्मन है, ये भी नहीं खाने देती। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब इधर आ जाओ, खा लो यार। ये क्या कर रही है? ठंडा पानी पिए जा रही है, पहले इनकी तबीयत खराब है। यार मुर्गियों को उधर ले जाओ। मैंने मैंने डक्स के लिए ना रोटी भिगो रखी है, ताकि नरम हो जाए, डक्स को खिलाऊं। भाई ये गीली है बढ़िया, ये गीली। हाँ ये इनको पानी में घुसने का बहुत शौक है यार, ये तो कहती है पूरा दिन पानी में घूमते रहे। हमारे कबूतर को तो आज बहुत ज्यादा भूख लग रही है, ये देखो कैसे मिल के खा रहे हैं ये। इनको थोड़ा सा और दाना दे देता हूँ मैं, मुझे लगता है मेरे से डर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, छोटा मोर को भी देखो, छोटा मोर ना दो दिन से कुछ खा नहीं रहा था, लेकिन आज खा रहा है। कितने खूबसूरत लग रहे हैं साथ मिल के खाते हुए ये। आज ना अपनी मुर्गियों को ना मैं डिस्प्रीन की गोलियां ना पानी में भिगो के दूंगा, ताकि ये सही हो सके। दवाई वाला पानी मुझे लगता था ये नहीं पियेंगी, लेकिन खुद पी रही हैं, बस पीने दो इनको। उधर वो दो मुर्गियां हैं पड़ी, वो मुझे ज़्यादा बीमार लग रही हैं, उनको भी मैं पिला देता हूँ खुद। ये एंग्री बर्ड आ गया, एंग्री बर्ड छोटी मुर्गी को कुछ नहीं कहता, बाकी सबको मारता है। दोस्तों हमारी डक्स या खाती हैं या सोती हैं, देखो सब सोई पड़ी हैं, अभी उठ गई हैं। मैंने वो देखो, वो तो बिल्कुल उठी नहीं है एक दो। ये ना डॉक्टर ने कहा था ये जो है ना तोतों के लिए भी है पड़ा, उनको भी पिलाओ, वो भी सही होंगे। चलो बहुत है, ये पानी हमारे वफादार तोतों के लिए बन गया। आज एक आधा तोता दोबारा निकालेंगे और देखेंगे, आज तो नहीं उड़ा। चलो भाई एक मिनट, ये पहले भी निकल गया भाई। ये तो मेरा दोस्त है यार। अच्छा ये बाबा, इसका नाम मैंने रखा हुआ है बाबा। ये थोड़ा बूढ़ा बूढ़ा है बड़ा, और इसको निकालूंगा आज मैं। बाबा किसी को भी कुछ नहीं कहता यार, बड़ा शरीफ है बड़ा। दोस्तों दवाई वाला पानी पी रहे हैं, बस अल्लाह करे ये भी तंदुरुस्त हो जाए अच्छी तरह। वैसे बीमार तो नहीं है, लेकिन एक्टिव हो जाएंगे बहुत ज्यादा। ये सर्दी है ना, सर्दी से बचाव के लिए है ये।
मैंने बहुत सारे पेट्स लेके आने थे, जब से असील मुर्गा मेरा मरा है ना मुझे डर लग गया। मैंने कहा सर्दी बहुत है अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं। दोस्तों मेरे कजन आए हुए हैं, ये कहते हैं बाबे को खोलते हैं आज। बाबा दाना खा रहा है यार, अभी नहीं खोलते, ये सुबह से ऐसे हल्की स्पीड में खा रहा है। अगर बाबा उड़ गया फिर यार, बाबे की शक्ल देखो आप, ये देखो ये बैठा है। कितना जख्म कर दिया बाबा, बड़ा यार छिता हुआ बैठा है आज। मैं तो कहता हूँ कल जब धूप निकलेगी ना तब निकालेंगे, छोड़ो अभी इसको। चलो 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 दोस्तों, हम ना ये वाला हमारे पास कपड़ा खड़ा था ये उतार देंगे आज, क्योंकि हम ये वाला सारा पिंजरे के आगे लगाएंगे। आजकल सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जब से असील मुर्गा मरा है ना मुझे डर लगने लग गया। मैंने कहा सेफ्टी पहले हो सबकी, उतार दो यार। दोस्तों मैं आपको ना एक चीज बता दूं, मेरा इरादा क्या है बड़ा, बस आप जल्दी जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवाओ। ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये वाली इधर मेरा सारे परिंदे रखने का इरादा है, यहाँ से ऊपर से बंद करवा के ना जाली लगवा देंगे हम। बस आप जल्दी जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर जल्दी करवाओ तो इसका फिर काम करेंगे। इधर दरख्त भी करीब है और हमारे परिंदे शौक से रह सकेंगे। यहाँ से हमारा पेट हाउस ऐसे नजर आता है, वो देखो तोते भी पड़े हैं और एंग्री बर्ड्स तो खाने पे लगे पड़े हैं वो देखो, और यहाँ मुर्गियाँ बैठी हैं सब। तो हम जल्दी से सबको बंद कर लेते हैं ताकि ठंड ज्यादा हो जाएगी और ये बीमार ना हो जाए। इधर पकड़ते भी ऐसे हैं, इसकी जगह उधर है, इसको छोड़ दो, हाँ इसको जगह पे छोड़ दो आराम से। चलो ये स्पेशल डिश है, ये पता नहीं क्या है बड़ा, घर वालों ने दिया तो ये हम ना बदखों को दे देते हैं, इन्हीं के काम किया ये। आ जाओ मैंने बोला था ना ये बहुत शौक से खाएंगे। सब ने खा भी लिया यार सिर्फ एक मिनट के अंदर। चलो जी एंग्री बर्ड्स उधर बैठे हैं, इनको भी बुला लेते हैं। आ जाओ अंदर 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 अंदर। चलो ठीक है, ओ एक मुझे लगता है एक और किधर गया। ये मुर्गियों के साथ नहीं रखना इनको यार। दोस्तों हमारे पेरेंट्स ना आज सेन में जाएंगे उस तरफ, क्योंकि यहाँ ठंड बढ़ गई है, इधर हम नहीं रखेंगे, सेन में सही है क्योंकि वहाँ सर्दी कम होगी। आल ऊपर से नीचे आ गई है, मेरा कजन भी आ रहा है, आ जा आ जा। ये देखो ये यहीं से लेके आया, वैसे पेट हाउस में हमें बंदर रखने की जरूरत नहीं है, एक आल रेडी है ये देखो। ख्याल कर उत्तरी यार, इस तंबू पे ना छिपकली है पड़ी, ओहो हो अब इसको क्या करें हम कैसे कर देंगे ऐसे, ओ तेरी ऐसे, ओ देख ओ भाई साहब, हमने ये भी उठाना है, छिपकली इसके ऊपर आ गई है। अब देखते हैं जो हम कपड़ा ले आए हैं पूरा आ जाए पिंजरों पे, ये बहुत बड़ा है। अच्छा मैं इधर से पकड़ता हूँ यार, ये बहुत मोटा है, ये देखो ओजरी नहीं होती वैसे है बड़ा टाइप का, हो ये जबरदस्त है यार, फुल गरम। अब हमारे पेट्स फुल सेव हैं पड़े, ये देखो दोस्तों, असल में जो हमारे पेट्स मरे हैं ना मुझे इतना आइडिया नहीं था इनको सर्दी इतनी लग जाएगी, नहीं तो नहीं मरने देता मैं इनकी इतनी केयर करता ना। अब मुझे सब पता लग गया, इंशाल्लाह अब हमारा कोई पेट नहीं मरेगा, मेरी तो फुल कोशिश होगी, बाकी अल्लाह की मर्जी। ओ एक और छिपकली है, पीछे कर वो देख यार, छिपकलियाँ कहाँ से निकल के आ रही हैं, ओ भाग 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 भाग, हटो 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 हटो, इसको ना मार यार जाने दो इसको, जाने दो यार, मेरा कजन मार रहा था लेकिन मैंने कहा इसको ना मारो, इसको जाने दो, ये देखो इसको डर ही नहीं लगता यार, पकड़ ना लियो यार। काश दोस्तों हम ये सेफ्टी कल कर लेते, हमारा सील मुर्गा तो बच जाता। दोस्तों पैरेट्स को ना हम उधर अपने बरामदे में ले जाते हैं जहाँ सर्दी कम है पड़ी। वैसे आप उधर देखो कैसे वो हो गया जगह, उधर जगह फुल सेव हो गई है तो इनको भी सेव करके रख देते हैं। आराम से उठाओ। दोस्तों आप सही कवर हुआ है और हमने भी आग लगाई हुई है, कितनी ठंड है पड़ी, यही वजह है पड़ी, पेट्स को भी कितनी ठंड लगती होगी, तो इसी वजह से ना मैंने आज फुल सेव निज़ाम कर लिया। तो आज का वीडियो भी एंड करते हैं, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं कल, आज के लिए अल्लाह।